राम राम जी। गर्मियाँ आ गई हैं और धनिया की बड़ी किल्लत हो रही है, तो आज हम बोएंगे धनिया। मैंने ये एक ड्रम का नीचे वाला हिस्सा पड़ा था मेरे पास, इसमें मैं पत्ते वत्ते डालती थी, तो इसमें से कुछ पत्ते मैंने साइड में कर दिए हैं। इस पे मिट्टी और खाद डालेंगे अभी और फिर बोएंगे धनिया। आजकल ना तो सब्जी वाले देते हैं और ना ही अच्छा आ रहा है धनिया, तो हम खुद का धनिया बोएंगे और ये 5-6 दिन में तैयार हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ आपको कि धनिया इस मौसम में कैसे बोएं। जो पेड़ों वेड़ों के पत्ते होते हैं वो मैं इकट्ठे करके इस ड्रम में डाल देती हूँ और ये ऊपर खाद और मिट्टी भर देती हूँ। और भी आ गए हैं पत्ते, या डाल दे इसमें डाल। ये बाल्टी वाले भी मैं ले आई हूँ और इसमें मैंने डाल दिए हैं। और ये मिट्टी मैंने पहले गिरवाई थी, ये गार्डन सोल है, यहाँ हमारे एक रोड बन रही है उसके ऊपर अच्छी मिट्टी लाए थे ये, तो ये मैंने थोड़ी सी इकट्ठी कर ली है। और आ रही है खाद, खाद और मिट्टी हम मिलाएंगे। मैं थोड़ी सी लाती हूँ दवाई, ये मैंने गौशाला से खाद मंगवाई थी, तो बहुत अच्छी खाद है। इसको हम मिट्टी खाद और मैं थोड़ी सी लाती हूँ ये फंगीसाइड कि धनिया के कोई बीमारी ना लगे और जल्दी से उगाए। कर दिया, तो ये मैंने खाद डाल दी है और एक ऐसे औजार से हम मिला लेंगे खाद और मिट्टी। तो ये है फंगीसाइड, तो थोड़ा सा इसको डाल देंगे हम कि बीज के कोई वो ना लगे। ये देखो इस तरह का है, ये आप डाल सकते हो मिट्टी में, जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी मर जाएंगे और हमारे आगे भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो ये हमने मिला लिया थोड़ा सा, और ये था धनिया का बीज। और ये मैंने कर लिया है दो फाड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो गिरी है वो बीच में रहती है। अगर हम साबुत बीजेंगे तो उगने के चांसेस कम हैं, सड़ जाता है बीज। तो इसको पहले तो एक कहावत थी कि जुत्ती से इसको करना चाहिए किसी भी कपड़े या अखबार में लेके, लेकिन अब आप किसी से भी बेलन से या किसी भी चीज़ से उसको रगड़ के और दो फाड़ कर लो। ये सब भ्रम है, ये अगर जुत्ती से करेंगे तो ही उगेगा, ये पुरानी कहावतें हैं। अब हम इसी बाल्टी में ये मिट्टी डाल लेते हैं और चलते हैं अपने जहाँ हमने धनिया बीजना है, जो मैंने पहले आपको ड्रम का वो दिखाया था हिस्सा। तो ये सारी खाद वाली मिट्टी हमने डाल ली है, ये उठा लिया ये बात से। तो ये पत्ते हमारे पहले से कुछ पड़े थे और इसी पे हम डाल देंगे खाद वाली मिट्टी और कर देंगे एक साथ। शोर शराबा बहुत है, बसें आ रही हैं जा रही हैं, ये देखिए। और ये धनिया के बीज हैं, इनको हम देंगे छिड़क, कितना उगता है कितना नहीं उगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा उग जाएगा। और ऊपर से हम इसको ढक देते हैं, थोड़ी मिट्टी मैं और ले आऊँगी उधर से, उससे इसको बीज दिखना नहीं चाहिए और ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी मिट्टी ला के और डाल देती हूँ मैं इसमें, और धनिया की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। एक हफ्ते बाद आपको दिखाएंगे भी ये कैसा उगा है। तो ये हम ऊपर से आधा आधा इंच की एक परत और बिछा देते हैं ताकि धनिया एक तो ज़्यादा नीचा ना जाए और दबे नहीं और आराम से उग जाए। और अब इसको कर देंगे हम थोड़ा थोड़ा गीला। ये लो ये हो गई हमारी धनिया की बुआई, अभी हम इसको पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो ये हम इसमें हल्का हल्का कर देंगे छिड़काव कि नमी बनी रहे, नमी होना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी नमी से है तो बीज फूलेगा तो धनिया फूलेगा तो अंकुर आएंगे तो बाहर निकलेंगे। और धनिया की तो हमें हर चीज़ चाहिए, पत्ते से लेके बीज तक पूरा धनिया हमें। जैसे ही दो पत्ते आते हैं हम काटना शुरू कर देते हैं, लो भाई धनिया होगा। और अब हम इसको जो मेरा खाद वाला थैला था उसी से ढक देते हैं ताकि गर्मी से ये जल्दी से अंकुर निकाल ले। जितनी इसको गर्मी मिलेगी उतना ही जल्दी धनिया उग जाएगा। तो हम इसको अब 3-4 दिन नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे भी क्या इसकी सिचुएशन है। तो हमारी ये हो गया धनिया का प्रक्रिया पूरी, और धन्यवाद देखने के लिए। देखते रहो, और भी मैं बहुत कुछ लगाऊंगी अब गर्मियों की सब्जियां। धन्यवाद।